दोस्तों जैन, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जिनका अभी CISF ड्राइवर का रिजल्ट आने वाला है, वो कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं। तो देखो, कट ऑफ तो वैसे ही जाएगा जैसे जाता है हमेशा, ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको समझने में थोड़ा मदद कर सकता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि 2019 के पेपर में कैसा गया था, तो 2019 के फाइनल कट ऑफ जो था वो जनरल के लिए 82 नंबर, OBC के लिए 78 नंबर और SC के लिए 75 नंबर और 72 नंबर गया था ST के लिए। EWS उस वक्त नहीं था, क्योंकि पता है 2019 के चुनाव के बाद आया था EWS। तो ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है वो और इसके कट ऑफ में कितना अंतर आएगा। देखो, वैकेंसी अभी बढ़ी है, ठीक है, तो और कंपटीशन भी बढ़ा है हर वर्ष। कंपटीशन में आप ये मान सकते हो, पेपर हालांकि 2019 में थोड़ा ठीक था, अभी आप मान के चलिए ये कि अगर कट ऑफ बढ़ता है, ठीक है, तो वैकेंसी भी बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से ये आपको बराबर समझने में ये मदद मिलेगा कि अगर वैकेंसी भी बढ़ी है और कट ऑफ हर समय हर साल बढ़ना चाहिए या बढ़ जाता है कंपटीशन के वजह से, चाहे आप जो समझिए, ठीक है, क्योंकि मतलब रोज पढ़ने वाला बढ़ रहा है, ठीक है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, तो पढ़ने वालों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो कंपटीशन टफ होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर एक दो नंबर घट बढ़ सकता है, ठीक है, घटेगा नहीं, बहुत आसान नहीं है घटना भी, हाँ, लेकिन बढ़ेगा बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर 82 नंबर गया हुआ है जनरल के लिए, तो आप मान के चलिए कि 83-84 जाए या शायद 82 तक ही जाए, ठीक है। उसके बाद EWS का उससे कम जाएगा। OBC का अगर 78 है तो आप मान के चलिए 79 या 77 ऐसे कुछ जाए, एक दो नंबर आगे पीछे, क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़ेगी और कंपटीशन भी बढ़ेगा तो एक दूसरे को वो बराबर करने को कोशिश करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह अगर SC कैटेगरी से हो तो SC कैटेगरी में आप मान के चलिए कि 75 में से आप, मतलब 75 स्कोर था, तो आप 76-77 या एक दो नंबर आगे पीछे अगर लेकर आते हो तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ST में भी सेम ऐसे ही 72 अगर पिछली बार गया था 2019 में, तो इस बार कट ऑफ जो है वो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ होने जाना है नहीं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।